First of all, good morning to all of you. Let us start the today's session by the grace of great Vaheguru and Tantan Shri Guru Ram Das Ji. We will start the today's session. Welcome to our YouTube channel DG and DJ Physics. In the last lecture, हमने किया था principle of homogeneity. Principle of homogeneity. और what is the principle of homogeneity? कि dimensional formula of left hand side or units of left hand side must be equal to the units of the Are you getting my point? ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा लेंथ इज इक्वल टू सेकंड, लेंथ इज इक्वल टू लेंथ, टाइम इज इक्वल टू टाइम, मीटर इज इक्वल टू मीटर, ठीक है, वेट इज इक्वल टू वेट, ठीक है. आज उस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल करते हैं. तो पहला न्यूमेरिकल करते हैं, तो लिखिए v इज इक्वल टू 80 प्लस b अपॉन v इज इक्वल टू 80 प्लस b अपॉन t प्लस c. This is the equation we have. V is equal to 80 plus V upon T plus C, where V is the velocity, T is the time, and A, B, C are the constants. A, B, C are the constants. So, देखिए, V is the velocity, T is the time, and A, comma B, comma C are the constants. And we have to find the value of these constants. These A, B, C constants. So please find it. So निकालते हैं, देखते हैं, सबसे पहले start करते हैं. Solution से start करते हैं, देखिए. So see, हमारे पास left, this is called a left hand side and this is called a right hand side. ठीक है, आज you comfortable in Hindi? Yes sir. ठीक है, तो बीच हिंदी और इंग्लिश मिक्स ही रहेगा, ठीक है. तो V is equal to 80 plus B upon T plus C. अभी तो बताइए क्या यूनिट होंगे, ए के क्या यूनिट होंगे. सी, ये किसके यूनिट है, वेलोसिटी के. इसका मतलब ये जो टर्म है ए टी, इसके भी यूनिट क्या होंगे, वेलोसिटी के होंगे. इसके भी क्या होंगे, वेलोसिटी के होंगे कि नहीं होंगे. तो निकालिए फिर ए के यूनिट्स क्या बने, बताइए मेरे को, बताइए क्या बने, क्या बने. तो क्या लिखेंगे, ए टी, ए टी विल हैव, AT will have units of velocity. So AT is equal to L minus 1. Sorry, AT is equal to velocity. ठीक है? T के क्या होते हैं? Time. Velocity के क्या होते हैं? L minus 1. तो क्या आंसर आया हमारे पास? हमारे पास आंसर आया A is equal to LT minus 1 upon T. तो बाद में ये फॉर्मूला यूज करूंगा, मैंने आपको बताया था x की पावर l upon x की पावर l is equal to x की पावर m minus n. ठीक है, हमारे पास क्या आंसर आएगा दोस्तों, LT minus 1 minus 1, तो क्या है बेटा, LT minus 2. तो इसका मतलब a की क्या यूनिट है, फ्रेंड्स फ्रेंड्स हमारे पास a is equal to LT minus 2. a is equal to LT minus 2. अब देखो T plus C T क्या है, टाइम. इसका मतलब ये C भी क्या होगा, ये भी टाइम ही होगा. टाइम में क्या ऐड होगा, टाइम ही ऐड होगा. तो लिख सकते हैं, देखिए, सिंस C मस्ट हैव, C विल हैव यूनिट्स ऑफ, C विल हैव यूनिट्स ऑफ टाइम, दैट इज C is equal to T. C is equal to T. तो B निकालिए. इसका ये सारा क्या C equal होगा? Velocity के equal होगा. तो निकालिए कितना आंसर आया, बताइए मेरे को. B के क्या आंसर आया? बताइए. C T कैसे होगा? कैसे? C T कैसे होगा? Time में क्या ऐड होगा? Time ऐड होगा. तो C में हमने यूज़ ऑफ़ डाल टाइम, ठीक है, समझ आएगी नहीं? C में टाइम ही ऐड होगा ना, तो टाइम में टाइम ऐड होगा, तो C में हमने यूनिट्स ऑफ़ दी टाइम, तो C is equal to T. Now please calculate the units of B. आप कैसे निकालेंगे ये बताइए. B upon T plus C. हाँ जी बताइए. ये इसके भी, ये भी किसके इक्वल होगा,
ये भी किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो क्या बना हमारे पास? b upon t plus c is equal to क्या आया? वेलोसिटी आया। तो b is equal to ये क्या आया? t is equal to lt minus 1। तो b क्या आ गया फिर? b क्या आ गया? lt minus 1 into t minus 1 plus 1 t की पावर 0। t की पावर 0 क्या होता है? 1। तो b is equal to क्या आ गया? b is equal to क्या आ गया? सारी पता लगा। देखो अगर ये L होगा और ये T होगा तभी LT माइनस वन बनेगा ना। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, यहां से देखिए, ये L होगा L अपॉन T, तभी ये टोटल क्या बनेगा? LT माइनस वन। तो ये भी LT माइनस वन है, ये भी LT माइनस वन है, और ये भी LT माइनस वन। समझ आया कि नहीं आई? ये समझ आया? सी के क्या है? टाइम के। सी के यूनिट्स क्या है? टाइम के। ठीक है, और बी प्लस टी प्लस सी के क्या है? वेलोसिटी के। कंपेयर किया तो क्या आंसर आया? लेंथ। ठीक है, एल अपॉन टी एल टी माइनस वन एंड ए डी इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो बी इसके ए के अगेंस्ट आए एल टी माइनस टू। एल टी माइनस टू क्या होता है? एल टी माइनस टू का एक्सेलरेशन क्या होता है? ठीक है, एल टी माइनस टू इंटू टी तो क्या आ गया? एल टी माइनस वन। एल टी माइनस टू इंटू टी कितना आ गया? एल टी माइनस वन। तो ये क्या सारी वेलोसिटी बन गई ना? क्या बन गई? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल। ठीक है, मतलब दीज आर दी बेसिक्स, दीज आर दी बेसिक्स। अगर बेसिक्स नहीं करेंगे तो वी कैन नॉट मूव फर्दर। ठीक है, इन द इन द इन द इन द टेक्स अगला करें। इसको क्या बोलते हैं? वेंडरवाल गैस इक्वेशन। ठीक है, रियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। वेयर P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, ठीक है, A एंड B आर द कांस्टेंट, R इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट, T इज टेंपरेचर। T इज द टेंपरेचर। तो निकालिए A और B के क्या क्या मिल जाएगा? A और B के क्या आएंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे फ्रेंड्स? से किया था पहले कभी? नहीं किया। देखो ये क्या है? प्रेशर। ये क्या है? प्रेशर। तो ए बाय बी स्क्वायर, ये भी क्या होगा? प्रेशर ही होगा। ये भी क्या होगा? प्रेशर। समझ आएगी नहीं आई? क्योंकि प्रेशर में क्या क्या ऐड होगा? प्रेशर में प्रेशर ऐड होगा, प्रेशर में वॉल्यूम ऐड नहीं होगा। हो जाएगी नहीं आई? प्रेशर में प्रेशर ऐड होगा ना, लेंथ में लेंथ ऐड होती है। बिकॉज इसी इसी को तो कहते हैं लॉ ऑफ होमोजेनिटी, है ना? तो क्या आया? प्रेशर में प्रेशर ऐड होगा। तो हम लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, हम लिखेंगे a plus a by b square will have यूनिट्स ऑफ प्रेशर। इसके यूनिट्स होंगे प्रेशर के। अब प्रेशर भी पता होना चाहिए ना, प्रेशर के यूनिट्स क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, प्रेशर का क्या होता है, क्या होता है हमारे पास? नहीं पता, निकाल लो। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया। देखिए अगर फोर्स अपॉन एरिया, अब फोर्स का क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया में एरिया। हाँ जी, करो सर फॉर्मूला को। मास का क्या होता है? m। एक्सेलरेशन का क्या होता है? lt माइनस 2 अपॉन एरिया का क्या होता है? l स्क्वायर। तो कितना आया हमारा प्रेशर? कितना आया हमारा? आया ml माइनस 1 t माइनस 2। ml माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। इससे पहले भी आपने नहीं किया ये सारा कुछ, बट दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। कोई बात नहीं, ठीक है, हम कभी भी सीख सकते हैं। ठीक है, ml माइनस 1 t माइनस 2। तो इसका मतलब अब a बाय b स्क्वायर, a बाय b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? प्रेशर के इक्वल आ गया।
आया कि नहीं आया? किसके ऊपर आ गया? प्रेशर। प्रेशर मुझे पता है। वॉल्यूम के क्या होते हैं? वॉल्यूम के क्या होते हैं? वॉल्यूम का क्या होता है? एल क्यूब। वॉल्यूम का क्या होता है? एल क्यूब। एरिया का क्या होता है? एल स्क्वायर। एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर। वॉल्यूम का एल क्यूब। भाई थोड़ा सा एनर्जी लिखाओ। वॉल्यूम का क्या होता है? क्या होता है? एल क्यूब। तो पुट करो फिर, ए कितना आ गया? ए आ गया पी इंटू वी स्क्वायर। ए कितना आ गया? पी इंटू वी स्क्वायर। यूज द फॉर्मूला। तो कितना आया फ्रेंड्स हमारे पास? ए इज इक्वल टू आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू एल क्यूब। एल क्यूब आदि कीजिए इसको। कितना आया आंसर? ए माइनस वन प्लस थ्री कितना आ गया? सही कर रहे हो ना? सॉरी, एल क्यूब का स्क्वायर आएगा। एल क्यूब का क्या आएगा? स्क्वायर। ठीक है ना? तो कितना आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू एल की पावर सिक्स। तो फ्रेंड्स आ गया ए की पावर एम एल फाइव। सही कर रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे? ठीक है, टी माइनस टू। दिस इज द कनेक्शन फॉर्मूला ऑफ ए एम एल फाइव टी माइनस टू। बिल्कुल सही है, ए एम एल फाइव टी माइनस टू। अब निकालिए इसका बी। तो निकाल सकते हो बी का? बी का क्या आंसर आया भाई? बी का आंसर क्या आया फ्रेंड्स? ये क्या है? वॉल्यूम। ये भी क्या होगा? तो बी का आंसर कितना आया? एल क्यूब। बी का आंसर कितना आया? एक लाइन लिखनी है, लिखी एक लाइन। बी विल हैव द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। बी विल हैव द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। बी विल हैव यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। तो कितना आया? बी इक्वल टू वी इक्वल टू एल क्यूब। कितना है फ्रेंड्स? अगर इसको और डिटेल से लिखना हो तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एम जीरो एल क्यूब टी जीरो। डिटेल में ये आ जाएगा, बिकॉज एम रेज़ टू पावर जीरो क्या होता है? वन। टी रेज़ टू पावर जीरो क्या होता है? वन। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आया एल क्यूब। कितना आंसर आया? देखो देखने में कितना मुश्किल लग रहा था। देखने में क्या लग रहा था? ये बहुत मुश्किल लग रहा था, बट थिंग्स आर नॉट लाइक दैट। ठीक है, किसी भी चीज को जब जब हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है, तो देख लगती है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल है नहीं। मुश्किल है नहीं। ठीक है, ये जो वर्ड्स होते हैं ना कि हार्ड है मतलब बहुत ज्यादा, टफ है या इजी है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड होती है। जब आप किसी भी काम को करते हो, शिद्दत से करते हो, तो कहते हैं कि वाहिगुरु आपके साथ होता है, खुदा आपके साथ होता है। ठीक है, देन थिंग्स विल गेट इजी। ठीक है, चीजें आसान हो जाती है, अपने आप ही आसान हो जाती है। ठीक है, अभी आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की समझ आया? Yes, समझ आया कि नहीं आया? भाई एक बार में बोलिए यस सर। यस सर नहीं, जैसे आर्मी वाले बोलते हैं। समझ आया? यस सर। बाहर तक आवाज आनी चाहिए। समझ आया? यस सर। ठीक है, ठीक है, ये अच्छी बात है कि आपको समझ आया। तो आगे हम करेंगे, सी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे हम करेंगे सिस्टम। हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे जाना, समझ आई कि नहीं? हमें SI को CGS पे कैसे कन्वर्ट करना है और CGS को SI में कैसे करना है। ठीक है, हो जाएगी नहीं आई? वो हमें देखना है। ठीक है, मैं छोटे से मेरे से करता हूँ उसकी स्टार्ट। जैसे मैं कहूँ, लिखिए पहले लिखिए कन्वर्ट, कन्वर्ट उससे पहले, सॉरी उससे पहले ये मेरे को कीजिए पहले आप। मेरे पास ये फॉर्मूला है f is equal to g m1 n2 divided by r square। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नहीं पता। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स का। इसे मुझे g की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाइए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g। ठीक है,
तो कैलकुलेट करके निकालिए जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। एफ का पता है आपको, आर का पता है लेंथ, एम का क्या होता है एम वन का एम, तो मुझे कैलकुलेट करके दिखाइए, कैलकुलेट करके दिखाइए। जी का ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू, तो करें स्टार्ट, चले चले जोश आया था, वैसे मजा नहीं आता सोल्यूशन। तो जी कितना आ गया फ्रेंड्स, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय एम वन इन टू एम टू, ठीक है, जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, तो पुट द वैल्यू। हाँ जी, फोर्स का क्या होता है, फिर फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू, क्या होता है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू मल्टीप्लाई बाय आर का कितना आएगा फ्रेंड्स, एल स्क्वायर, आर मतलब रेडियस, नॉट रेडियस, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन, आर इज द डिस्टेंस, और डिस्टेंस का क्या होता है लेंथ, एल लिख दो, एल स्क्वायर डिवाइड बाय, हाँ जी मास का क्या होता है एम इंटू एम, एम इंटू एम, तो कितना आंसर है एम से एम कैंसिल, तो जी का कितना आंसर आया, ये एम ऊपर जाके क्या आ जाएगा एम माइनस वन, क्या बन जाएगा एम माइनस वन, एल कितना बड़ा बेटा टू प्लस वन थ्री, एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, एम माइनस वन एल क्यूब, एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, समझ आ रहा है कि यार अच्छा लग रहा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, yes, ऐसे होता है मेडिकल्स में, मेडिकल्स लगते हैं कि बहुत मुश्किल होंगे बट मुश्किल नहीं, ठीक है, बहुत आसान लगते हैं, ठीक है, बहुत आसान, अब आगे बढ़े, अब मैं उसकी बात करता हूं जो कि हमने आज का जो मेन टॉपिक था वो था कि एक नंबर सिस्टम से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमें कैसे जाना, ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे यूनिट है हमें ऐसा ही से सीजीएस में कैसे शिफ्ट करना है और सीजीएस से ऐसे ही में कैसे शिफ्ट करना है, ठीक है, मैं बहुत ही छोटे से मेडिकल सिस्टम की स्टार्ट करता हूं, तो लिखिए कन्वर्ट, कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, इनटू मीटर पर सेकंड, जरा सिंपल लग रहा है, ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड कैसे करते हैं, जो आपको बताया वालों क्लासेस में कैसे करते हैं, नहीं डाउट फॉर्मूला, पहले विदाउट फॉर्मूला करते हैं, ठीक है, ठीक है, विदाउट फॉर्मूला, ठीक है, 72 किलोमीटर अपॉन ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं ना, 72 किलोमीटर पर, पर का मतलब कितना डिवाइड, ठीक है, तो ये क्या आ गया, इसको हम देख सकते हैं 72 किलोमीटर डिवाइड बाय पाना, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 आर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600, 3600 सेकंड, कितने होते हैं 3600 सेकंड, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस सर, समझ आ रहा, यस सर, पुट करो इसको, देखो 72 इनटू 1000 मीटर डिवाइड बाय 3 सेकंड, 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब 2 5 18, ठीक है, ये कितना आ गया 1 4, तो कितना आ गया आंसर मेरा 20 मीटर अपॉन सेकंड, कितना आंसर आया मेरा 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर में कितना आया 20 मीटर पर ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 20
मीटर है पर सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ठीक है जी। हमने कैसे किया, जैसे लोड का, ठीक है, विदाउट फॉर्मूला, जैसे कि हमने विदाउट फॉर्मूला, ठीक है, अब फॉर्मूले के साथ करें, ठीक है। सी, हमारे पास ही दो तरह के सिस्टम है, एक है एसआई, एक है सीजीएस, ठीक है। एक सिस्टम को हम एक तरफ रखेंगे, दूसरे सिस्टम को हम दूसरे तरफ रखेंगे, ठीक है। एम वन जो मास है वो एक सिस्टम का मास है, एल वन और टी वन ये एक सिस्टम का सेट है, और एम टू एल टू टी टू क्या है, दूसरे सिस्टम के, ठीक है। और एन वन एंड एन टू क्या है, ये क्या है, These are called the numerical values. These are called the numerical values. जैसे ये इसकी numerical value क्या है? 72. N1 कितना हो गया? 72. और N2 कितना हो गया? 20. ये इसकी क्या है? Numerical. क्या इसकी? Numerical. करो फिर. करो फिर. करे start. कितना आया 1000 मीटर, कितना आया 1000 मीटर, कितना आया
1000 ठीक है, अब फॉर्मूला यूज करो, क्या है फॉर्मूला, एन टू इज इक्वल टू एन वन, एन वन अपॉन एन टू की पावर ए, एल वन अपॉन एन टू की पावर बी, टी वन अपॉन टी टू की पावर सी, ठीक है ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, कितना आया सर 72, एम वन कितना है 1000, 1000 ग्राम बाय ग्राम बाय 1 ग्राम की पावर 0, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 1000 की पावर 0 कितना आंसर आया 1, ठीक है, एल वन कितना है 1000 अपॉन 1000 अपॉन एल टू कितना बेटा मीटर, 1 मीटर की पावर कितना आया 1, और टी वन कितना है 1 सेकेंड, और इसको भी कन्वर्ट कीजिए ये कितना आ गया 3600 सेकेंड, ये कितना आ गया 3600 सेकेंड, ठीक है आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ठीक है, ठीक है 3600 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर माइनस 1, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आया, कह रहा दिस कितना आंसर आया बताइए, ये तो 1 ही आ गया, एन टू की पावर ये आ गया 72 into 1 into, हाँ जी कितना आया 1000, ठीक है into 36 की पावर माइनस 1 और माइनस 1, तो ये क्या आ गया n is equal to 72 into 1000 divided by 3600, तो वही बन गया, देखो तो n2 कितना आया, ये तो कितना आया हमारा सेम वही आंसर है, इनको कितना आ गया हमारा 20, ठीक है इनटू 20 सेम, तो इसका मतलब क्या आ गया 70, अगर आपको फिलिंग का लेंथ आता है 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना आएगा 20 मीटर पर सेकंड, 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू दी 20 मीटर पर सेकंड, दिस इज दिस इज दी, ठीक है इसी तरह से मैं आपको घर से करने के लिए देता हूँ, कि बहुत सैटरडे संडे ऑफ है ना, आपको ऑफ होता है सैटरडे संडे, तो ठीक है तो अनुमान के लिए देखिए घर से 1 जाऊं इज इक्वल टू हाउ मच अर्थ्स, और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कन्वर्ट 1 जाऊ इनटू अर्थ्स, ठीक है सिमिलरली 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच टाइम, और कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू into तो कर सकते हो अपनी तरफ से, जाऊ वाला क्या होगा एक तरफ रखना सिस्टम, n1 कितना है 1, n2 पता करना, m1 कितना होगा 1 kg, l1 कितना होगा 1 मीटर, t1 कितना होगा 1 सेकंड, इसका क्या होगा m1 1 ग्राम, ठीक है और लेंथ कितनी होगी सेंटीमीटर, टाइम कितना होगा 1 सेंटीमीटर, ओके सिमिलरली ये भी ऐसी, ठीक है ये क्या है जाउल है, ये क्या है जाउल, जाउल किसके यूनिट होते हैं एनर्जी, जाउल किसके यूनिट होते हैं एनर्जी के यूनिट होते हैं, और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है
मैंने बताया था एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन वाला, ठीक है, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो कितना होता है हमारा एम एल टू टी माइनस, तो ए कितना आ गया, ए वन बी टू सी माइनस, ठीक है, पहले केस में ए कितना आ गया वन, बी कितना आ गया टू, सी कितना आ गया माइनस टू, ठीक है। अब ये न्यूटन है, किसकी बात हो रही है, न्यूटन फोर्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फोर्स की बात हो, और फोर्स के क्या होते हैं, न्यूटन मतलब फोर्स की बात हो रही है, और फोर्स का क्या होता है बेटा, कन्वेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू, इसका मतलब ए कितना आ गया बेटा ए वन, बी कितना आ गया वन, सी कितना आ गया, कर सकते हो मेरी काम करते, कर सकते हो एक बार कर सकते हो, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन में मिलेंगे, अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच। एक बार बच्चों के साथ बता देते हैं, ठीक है, हमारे बच्चे आज के, ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू सो मच, बंद कर दिया।